शिवलिंग में एक छोटा सा खड्डा है। इस खड्डे में पानी इकट्ठा होता है जो कभी खत्म नहीं होता। लोग प्रसाद लेते हैं लेकिन ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। ये शिवलिंग स्वयंभू है, 6 फीट का है, मेरी हाइट जितना ये शिवलिंग है। जमीन से ये 6 फुट ऊपर है, आधा शिवलिंग नीचे है। उसके ऊपर संगमरमर का पत्थर बनाया गया है और उसके ऊपर आधा शिवलिंग है। लोग प्रसाद में यहाँ का पानी पीते हैं और ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता। शिवलिंग देखने में रुद्राक्ष की तरह दिखता है। महादेव का ये शिवलिंग हर साल एक चावल के दाने के जितना बढ़ जाता है। शिवलिंग पे जो संगमरमर दिख रहा है, शिवलिंग उसके नीचे जमीन से है। शिवरात्रि में माना जाता है कि यहाँ पे खुद शिव भगवान आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। शिवलिंग के नीचे 4 रेखाएं दिखेंगी आपको, गोल गोल, जो ऊपर की तरफ जाते हैं। आके दिखेगा आपको, जो चारों युगों के प्रतीक हैं। पहला सतयुग, फिर त्रेता युग भगवान राम वाला, फिर द्वापर युग भगवान कृष्ण वाला, और उसके बाद कलयुग, जो इस युग में आज हम रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक युग बीत जाने के बाद यहाँ पे एक रेखा उभर जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि बचपन में उन्होंने ये शिवलिंग छोटा देखा था, जो हर साल एक दाने की तरह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक ही शिवलिंग में आपको 2 अजूबे दिखेंगे। एक तो शिवलिंग के अंदर से पानी निकलता है, एक छोटे से खड्डे में से, जो कभी ख़त्म नहीं होता, और शिवलिंग हर साल एक चावल के दाने जितना बढ़ जाता है। मंदिर के पास सीढ़ियाँ हैं जिसे वाव कहते हैं। कहा जाता है वहाँ से गुप्त रास्ता काशी की तरफ भी जाता है। नाथ जी बाबा को सपने में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे शिव मंदिर बनवाया था। कई ऋषियों ने यहाँ पे तप किया है, ये बहुत ऋषियों की तपस्थली रही है। भद्रसेन राजा थे जो कुदरती आपदाओं की वजह से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे तप किया कि उनकी जनता को यहाँ पे शांति मिले, और फिर वो आपदाएं बंद हो गई। आज भी लोग वही आस्था लेके यहाँ पे आते हैं। संत मंडेश्वर कल्याण के लिए शिव जी की पूजा यहाँ पे की, उनको यहीं पे रहने के लिए कहा। महंत श्री मंगलगिरी जी ने भी यहाँ पे पूजा किया था। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, ये हैं मुर्डेश्वर महादेव और दूसरे एक हैं मुर्डेश्वर महादेव, वो कर्नाटक में है। ये मुर्डेश्वर महादेव हैं महीसागर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में परीखंडा में सहेरा गांव में। सहेरा गांव से 1 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। गोधरा से यह 35 किलोमीटर दूर है। आप चाहे तो एक ही दिन में 3 मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। डाकोर, जिसे गुजरात का चारधाम कहा गया है, वो यहाँ से 82 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे का रास्ता। टीवा टुंबा गर्म पानी के कुंड हैं वहाँ पे, वो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, लगभग 1 घंटे का रास्ता। और गलतेश्वर महादेव यहाँ से हैं 72 किलोमीटर दूर, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता। ये तीनों वीडियो और इसके अलावा 100 से ज़्यादा वीडियो है मेरे यूट्यूब के ऊपर। सबके घर बैठे दर्शन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।